समृद्धि आदर्श की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से पंजीरी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत हेल्दी भी है। आप इनको सर्दियों के समय खा सकते हैं या जिसके नई नई डिलीवरी हुई है उनके लिए भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। चलिए तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये कितनी स्वादिष्ट और कितनी टेस्टी बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बहुत ही हेल्दी है सेहत के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पंजीरी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, 1 किलो आटा लिया है। उसके बाद ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और ये सूखा नारियल लिया है मैंने। इसको हम बारीक बारीक काटेंगे, देखिए इस तरह काटेंगे हम। और किशमिश को भी काट लेंगे और ये बादाम रखे हैं इनको भी काट लेंगे और पिस्ते भी काट लेंगे इनको भी। अभी इस आटे को हम कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर भूनेंगे, इसको सेक लेंगे। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अभी हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालते हैं कढ़ाई में। 4 चम्मच मैंने घी डाला है। ये देखिए ये मैंने 1 किलो आटा लिया है। अभी हम इसे सेक लेते हैं अच्छे। ये देखिए हमें इस तरह चलाते हुए इसको लाल होने तक सेकना है। ये देखिए आटा मैंने सेक लिया है। अभी मैं चाशनी बनाती हूँ, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए मैं कढ़ाई से निकाल लेती हूँ सारे आटे को। ये देखिए मैंने बादाम को कूट लिया है और किशमिश को भी मैंने काट लिया है। एक कटोरी मैंने मावा लिया है। अभी हम इस आटे ये सिके हुए आटे में हम मावे को मिला देते हैं। ये देखिए मैंने बारीक कर लिया है, इसको तोड़ लिया है मावे को। अब हम इस तरह इसको मिला ले। ये देखिए मैंने मावा डाल लिया है, इसको हम गांव में खोया भी बोलते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इस करछले की मदद से मिला रही हूँ मैं, क्योंकि आटा हमारा गर्म है अभी। ये देखिए मैंने आटे में मावे को अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए अभी हम कढ़ाई चाशनी बनाते हैं। ये देखिए कढ़ाई मैंने फिर से रख दी है। अभी मैं 1 चम्मच देसी घी और डालती हूँ। फिर हम ये ड्राई फ्रूटों को भी भून लेते हैं। सबसे पहले ये नारियल, सूखा नारियल मैं भूनती हूँ। ये देखिए नारियल मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ये जो कूटा हुआ बादाम ये भी डाल देते हैं, किशमिश भी डाल देते हैं कढ़ाई में, तो हम भून लेते हैं अच्छे से। ड्राई फ्रूटों को भी मैंने भून लिया है। अभी हम चाशनी तैयार करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर रखा है। अभी मैंने इसमें 3 चम्मच देसी घी लगाया है। ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। अभी हम इसमें जीरा लगाते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए जीरा हमारा भुन गया है। अभी हम इसमें 1 गिलास पानी डालते हैं। एक गिलास पानी में और डालती हूँ इसमें। ये देखिए मैंने 2 गिलास पानी लगाया है कढ़ाई चाशनी बनाने के लिए। अभी हम इसमें चीनी डालते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आने वाला है, तब अभी हम इसमें चीनी डालते हैं। सबसे पहले मैं 1 गुड़ डालती हूँ। ये 250 ग्राम मैं गुड़ डालती हूँ इसके अंदर। और 1 कटोरी मैंने चीनी ली है।
इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। अभी हम तब तक उबालते हैं पानी को जब तक इसमें एक तार नहीं आ जाता। और कुछ मैंने बादाम लिए थे उसमें डाल दिए हैं साबुत बादाम, ये देखिए आपको दिखते होंगे इसमें। ये देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी चाशनी बनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको छुआ और ऐसे करके चिपका रही हूँ मैं इसको। ये देखिए एक तार बनने लगा है, इसका मतलब चाशनी हमारी तैयार है। अभी हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट थे हमने भून के रखे हैं इनको हम चाशनी में डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं गैस को। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम आटा को भी डालते हैं इसमें कढ़ाई के अंदर, और कचली की मदद से हम इसको घुमाते रहेंगे। ये देखिए आटे को हमें चाशनी में मिला देना है इस तरह से, और जल्दी जल्दी मिलाना है क्योंकि ये वो चाशनी हमारी सूखने लगती है। ये देखिए कढ़ाई में हमने अच्छे से मिला लिया है आटे को। अभी हम इन थालियों में मैंने देसी घी लगाया है, इसके बाद हम इनमें डालेंगे पंजीरी। ये हाथों की मदद से इस तरह हमें फैला के इस पर थोप लेना है अच्छे से। बर्फी जैसा हमें पूरे थाली में मिला, बर्फी की तरह हमें बना लेना है। ये देखिए पंजीरी को मैंने थाली में रख लिया है बर्फी की तरह, पूरी प्लेट में मैंने फैला के अच्छे से। ये देखिए मैंने दो थाली और एक प्लेट में हमारा सारा आटा आ गया पंजीरी का। अभी इनको ठंडा होने के बाद हम इसको काटेंगे बर्फी की शेप में। ये देखिए हमें बर्फी की शेप में इसे काट लेना है पंजीरी को। ये देखिए मैंने बर्फी की शेप में इसे काट लिया है। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। मैंने पंजीरी बना ली है, ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी पंजीरी है। ये डिलीवरी के टाइम भी बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।